और इस बीच हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है भदोही से। विजय मिश्रा की बड़ी बेटी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सगे रिश्तेदार ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। गोपीगंज थाने में सगे रिश्तेदार ने यह FIR दर्ज कराई है। विधायक पिता, MLC मां और भाई के खिलाफ पहले ही मामला चल रहा है। मकान, संपत्ति और बिजनेस हड़पने का मुकदमा है। विधायक पिता जेल में है बंद, तो MLC मां और भाई फरार है। लेकिन अब देखिए शिकंजा बेटी पर भी कस रहा है। विजय मिश्रा की बेटी पर भी मामला दर्ज हुआ है, बड़ी बेटी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ और यह मुकदमा है जान से मारने की धमकी देने का। और अब वाराणसी से अगली खबर, जहां संकट मोचन मंदिर के अब भी बंद रहने से भक्तों में निराशा है। लॉकडाउन के बाद कई मंदिर खुल गए हैं, लेकिन संकट मोचन मंदिर आज भी बंद है। भक्त से जल्द खोलने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष के बाद मंदिर खुलने की बात सामने आई थी, लेकिन पितृपक्ष की समाप्ति के दूसरे दिन भी मंदिर के ना खुलने पर भक्त मांग कर रहे हैं कि कोरोना इंतजाम के साथ मंदिर खुले। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपी मतलब दबंग लोग।